मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ट्रक चालकों की अक्सर शिकायत होती है कि कुछ पुलिस वाले उनसे अवैध रूप से पैसों की वसूली किया करते हैं। कभी कभी ट्रक चालकों की पिटाई भी हो जाती है, मगर राजस्थान के भरतपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी को ट्रक चालकों ने अवैध रूप से पैसे वसूली करने को लेकर पकड़ लिया है। खबर यह भी है कि इस पुलिसकर्मी की पिटाई भी की गई है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी ट्रक चालकों से जान बचाकर भाग रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राजस्थान के भरतपुर की है। पुलिसकर्मी को कुछ ट्रक चालकों ने अवैध रूप से पैसे वसूली करने पर पकड़ लिया है और कुछ कहा सुनी भी हो रही है। खबर ये भी है कि पुलिसकर्मी की पिटाई भी की गई है। ट्रक चालकों के पास से जान बचाकर ये पुलिसकर्मी वहां से भाग रहा है। आपने धक्का मार के इस ड्राइवर को गाड़ी में बिठाया था ना? नहीं रुको, बैठा बैठा साले, दो सौ रुपये लड़ो गाड़ी में। रुक रुक। सोशल मीडिया में अब ये वीडियो जिसमें पुलिसकर्मी और ट्रक चालकों में बहस हो रही है काफी वायरल हो रही है। ये पूरी घटना वहां मौजूद एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर ली है। मामला आगरा जयपुर नेशनल हाईवे 21 का है। वहां से गुजरने वाले ट्रक चालकों से पुलिसकर्मी शंभू सिंह पैसे वसूली करने के लिए खड़ा हो गया था, जब चालकों ने विरोध किया और पुलिसकर्मी को पकड़ लिया। किसी तरह से इन ट्रक चालकों के चंगुल से जान बचाकर ये पुलिसकर्मी वहां से भाग निकला। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।